लगभग 39-40 सीट के ऊपर जो वो फैसलो कर लिया गया है। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण, और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से जो वो टिकटों के ऊपर मंथन करे गए हो, और काल सही चीज़ की संभावना जताई जा रही है कि जल्दी जगह है भाया घोषणा करी जाएगी, यानी कि कंफर्म जगह बताई जाएगी कि किन जगह पर टिकट मिलेगी। काफ़ी सारी सीट से बनमस हैं, कुछ एक सीट के ऊपर लगभग 39-40 सीट के ऊपर जो वो फैसलो कर लिया गया है। सिर्फ एक अंतिम फैसलो, सिर्फ एक डिक्लेयर करना जो है वो बाकी है कि किन जगह पर टिकट मिलेगी और किन टिकट कौन मिलेगी। कुछ एक जगह नाम ही भाया सूत्रा का वाला सा अपने सामने आ रहे हैं, तार साथ में साझो करना चाहूंगा। और एक अंदर जी की एक चीज और भी है, खास भाई आएगी ये बार बीजेपी जगह है भारतीय जनता पार्टी सीएम फेस डिक्लेयर कौन कर रहा है, तो बिल्कुल सीधो सो मतलब ये निकला है कि ये जगह विधानसभा का जगह चुनाव है 2023 का, ये मोदी वर्सेस गहलोत का चेहरा के ऊपर लड़े जाऊंगा, यानी कि सीएम फेस अभी तक डिक्लेयर हो कौन है। और कड़े कड़े पब्लिक को ये मानना है कि पिछली बार जो का चुनाव हा बिक अंदर भी कांग्रेस का अंदर सीएम फेस डिक्लेयर कौन हो, पायलट बन सका है, गहलोत जी बन सके ही, तो एक ऊपर जो वो कन्फ्यूजन भी टाइम हो और पब्लिक को ये मानना कि एक जो फायदो है वो कांग्रेस पार्टी ने मिलो, क्योंकि दोनों गुटा का जगह लोग एक साथ मिलकर चुनाव में लड़े हा, तो के मानो थारो कि ये बार जो को है सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करनो बीजेपी की तनके लागे कि पक्ष में जा सका है या फिर नुकसान मान दे सका है, या बात के माने कमेंट में जरूर बताओगा कि थारो के मानो एक ऊपर है। और कुछ एक जगह नाम डिक्लेयर कर गया है, साथ साथ में मैं साझो करना चाहूंगा कि संभावना जगह जताई जा रही है कि श्री गंगानगर से संदीप जी ने, और भादरा से संजीव बेनीवाल, उदयपुर वाटी से शुभकर्ण चौधरी जी की संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी की और भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट है मिलने की पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है। और फतेहपुर से सरवण चौधरी जी, और पिलाड़ा से अर्जुन जी, लाडनू से गजेंद्र सिंह जी, सादुलपुर से गुरुवीर सिंह जी, नवलगढ़ से विक्रम जाखड़ जी, और लक्ष्मणगढ़ से सुभाष मेहरिया जी, सुजानगढ़ से संतोष जी, और धोद से गोवर्धन जी, दातारामगढ़ से गजानंद जी, और कामा से मदन मोहन जी, सपोटरा से शकुंतला जी मीणा, हिंडौन से राजकुमारी जाटव जी, केकड़ी से शत्रुघ्न जी, और सोजत से संजना जी, हिंडोली से विजय बेसला जी, बांदीकुई से बालचंद जी, और डीडवाड़ा से ओमदास महाराज जी, सवाई माधोपुर से जो वो किरोड़ी लाल मीणा जी, और झुंझुनू से जो वो राजेंद्र जी भांबू और बबलू चौधरी के बीच में बिल्कुल कांटे की टक्कर बताई जा रही है कि किन्ने भी जगह पर 50-50% चांस बताए जा रहे हैं कि किन्ने भी जगह पर टिकट है वहाँ मिल सका है। अभी तक भी चीज़ की संभावना जताई जा रही है, कन्फर्म जो अभी तक हो गया है कि किन्न की टिकट मिलेगी। ये जगह थाना नाम बताए हैं, उनके ऊपर लगभग मंथन हो चुके है और सिर्फ एक डिक्लेरेशन होना बाकी है। अफाई चीज़ को अंदाजो लगा सकता की संभावना जगह पर तक जताई जा रही है, जगह था नाम में बताए ही बान नहीं टिकट मिलने की पूरी पूरी जगह संभावना बाया है। और बाकी जगह जब डिक्लेरेशन इस चीज़ को हो जाओ तो जब आप पता लगाओ कि किन जगह वो टिकट मिलेगी, और थारो के ऊपर के मान लो कि जितना नाम थाना में बताए ही आने जगह टिकट देने को जो फैसलो है भारतीय जनता पार्टी को वो की हद तक सही लाथान लगा है कि किन टिकट देने सही फैसलो है, उनमें से कौन सा आएगा नाम ही जगह टिकट देने को जो फैसलो है वो बीजेपी का विपक्ष में जा सके है, और सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करनो यो थारो के मानना है कि यो जो फैसलो है वो पक्ष में जागो या फिर विपक्ष में जागो, थे माने कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। वीडियो जो वो शेयर कर देना है, और खबर अपडेट के लिए जुड़ा रहो झलको के साथ।